हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केवीसी। आपका केवीसी में स्वागत है। जैसे कि हम आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी एमटीएस के लिए जो क्लासेस लगा रहे हैं उसमें हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, उसके 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिविजिबिलिटी रूल। कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन पक्का दिखेगा इसका, और इसकी जो अप्रोच है ना, बाकी जो चीजें इससे जुड़ी हुई है ना, वो जो ऑप्शन कैंसिल करने में आपका बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, एकदम अंदर निचोड़ तक आपको जाना हो तभी आप इस टॉपिक का फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बाध्यता का नियम, इंग्लिश में बोलूं तो डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, आप सबको ये पता है, आपने बचपन में ये काम किया होगा। जैसे मान लो 15 में आपने भाग दे दिया किसका, 2 का, तो कितनी बार जाता है, 7 बार जाता है। यहाँ 14 लिखते हो, यहाँ फिर क्या आता है, 1। देखो इसमें जो 15 था, ये 15 इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य। पता होना चाहिए, क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है काफी बार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखो इसको। ये 2 क्या है, डिविजय, भाजक। जिसका भाग दिया जा रहा है उसको क्या कहते हैं, भाजक। ठीक है, ये और ये तुम्हें क्या मिलते हैं, फल मिलते हैं। इधर वाला भागफल होता है, इधर वाला क्या होता है, शेष फल होता है, क्यूसेंट एंड रिमाइंडर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो समझना, मैं 15 को ये लिख सकता हूँ, 15 को लिख सकता हूँ 2 × 7 + 1, 7 × 14 = 5, 15। ठीक है, अब देखो इसका, इससे क्या फॉर्मूला क्या बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है, वो कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो 15 क्या था आपका, डिविडेंड। 2 क्या था आपका, डिविजर। 7 क्या था, क्वेश्चन। और 1 क्या था, रिमाइंडर। बस यही आपका एक फॉर्मूला बन जाता है जिससे डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। हिंदी में क्या हो जाएगा, ये भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन दे देते हैं, मान लो कि आपको ये चीज दे देंगे, ये चीज दे देंगे, ये चीज दे देंगे, और ये पूछ लेंगे। सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, आरआरबी में पूछा जा सकता है, एमटीएस में भी पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, क्वेश्चन इस तरह के मैंने करवाए हैं क्या, मैंने आपको दिए हैं डीपीपी सेकंड में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके करो उसको सोल्व। फर्स्ट सोल्व करो, सेकंड सोल्व करो, फिर हम उनका डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ सिंपल जो डिविजिबिलिटी रूल है। एक चीज स्टार मार्क करके और ध्यान रखना कि शेषफल कभी भी है ना नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा शेषफल, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर नेगेटिव हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, ये रूल समझ में आया। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, अलग अलग संख्याओं के लिए क्या होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखो मैं कहता हूं कि 2 में 14 में 2 का पूरा भाग जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि इसमें मैं लास्ट में क्या रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। तो मतलब किसी संख्या में किसी संख्या का भाग जाने का मतलब ये है पूरा कि उसमें रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप देखेंगे, हम कोई संख्या आपसे पूछ दे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, 4 से पूरी भाग इसमें जाता है नहीं जाता, तो ये चेक कैसे करोगे, है ना। कोई संख्या दे दे उससे पूछ ले 11 का इसमें पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता, तो उसको चेक कैसे करोगे। इसको देखने के लिए अब स्टार्ट करते हैं। कुछ रूल्स हैं, सिंपल रूल्स हैं, आपने पढ़े भी होंगे डेफिनेटली, 9th, 8th, 9th, 10th में पढ़ाए जाते हैं, और उसके बाद कंपटीशन में तो बहुत पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो पहले मैं बात करता हूँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 8, 16। ठीक, इससे चेक करना है कि कोई संख्या 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पावर क्या है, 1 है, तो आपको कंसीडर कितना करना है, अंतिम अंक, अंतिम 1 अंक। ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, या फिर 4 के लिए क्या करेंगे, अंतिम, इस बार 1 अंक था अंतिम, अब कितने हो जाएंगे, 2 अंक, किससे डिविजिबल होने चाहिए, 4 से। यहाँ पावर कितनी है, 3, तो अब क्या होंगे, अंतिम
तीन अंक होने चाहिए डिविजिबल कितने से, 8 से। ऐसे 4 में 16 में अंतिम 4 अंक किससे डिविजिबल होने चाहिए, 16 से। ठीक है, ये बात हुई। तो 2, 4, 8, 16 को एक साथ पढ़ लो, ऐसे आगे चलता है, पर तो काम का नहीं है। आप तो इतना ध्यान रखिए बस, 8 तक पूछा ही नहीं जाता इसके बाद में, ठीक है, क्योंकि 2, 4, 8 और 16। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा समझना है। 5, 4, 8, 9, 8, 6, ये एक संख्या दे दिया आपको। पूछा कि ये संख्या क्या 2 से डिविजिबल है, क्या 4 से डिविजिबल है, या 6 से, सॉरी 8 से डिविजिबल है, क्या करोगे? 2 से दे, 2 के लिए मैं क्या करूंगा, अंतिम अंक। क्या 6 से 2 से डिविजिबल है? हाँ है, तो संख्या भी किससे हो जाएगी डिविजिबल, 2 से हो जाएंगी। अब मुझसे कहते हैं 4 के लिए, तो मैं 4 के लिए क्या करूंगा, 4 के लिए एक अंक नहीं, पिछले 2 अंक चेक करूंगा। 2 अंक देखो है नहीं है, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगी, 4 से डिविजिबल नहीं होगी, 4 से नहीं हो रही तो 8 से भी नहीं होगी। ठीक है, इस तरह चेक किया जाता है संख्या को डिविजिबल, तो 8 से है या नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। इसके नोट्स सब मिल जाएंगे, आप टेंशन ना लें, बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां जुड़े, या सीधा RRB KBC नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप जाके जुड़ सकते हैं वहां पे, या फेसबुक पे जुड़े, कहीं भी आप केशव भानु क्लासेस सर्च कीजिए, गूगल पे या कहीं भी, आपको हम जरूर अवेलेबल मिलेंगे। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्वेश्चन है 5, 4, 3, 2, 1, x, 8। मान लो ये दिया गया आपको, 8 ना ले लो आप, 6 ले लो। चलो आपको कहते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जिसलिए संख्या क्या होनी चाहिए, संख्या 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, ये आपसे कहा गया। ठीक है, अब आपको एक्स निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इंटीजर वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये क्या हो, 4 से डिविजिबल। हमें पता है कि हमें तो कितने अंकों से मतलब है, एक्स और 6 इससे मतलब है। ठीक है, तो क्या मैं अब वैल्यू रखो कि ये 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, x बराबर 0 रखा, 0 6 नहीं होता, x बराबर फिर 1 रखा तो 16, 16 डिविजिबल होता है 4 से, तो x की डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई, 1, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह डिविजिबिलिटी रूल आपको बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, ये तो बात हुई 2, 4 और 8 की, अब बात करता हूँ 3 और 9 की। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है, क्वेश्चंस भी हम फुल करेंगे, टेंशन मत लो, थ्योरी थोड़ी थ्योरी ध्यान रखो। अब मैं बात करता हूँ किसकी, सिंपल सी 3 और 9 की। इसका क्या है कॉन्सेप्ट, इसका एक जैसा कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें दोनों में एक तरीका आपको प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, इन सब में क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। कैसे, एक एग्जांपल लेके बताता हूं। देखो एक एग्जांपल है, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 7 और 6। आपसे कहा कि ये संख्या किससे डिविजिबल है, 3 से या 9 से, चेक करो। तो कैसे चेक करोगे, सिंपल सा काम है, पहले तो अंकों का योग, यानी 5 + 4 + 3 + 2 + 7 + 6, ये अंकों का योग आ गया। अब इनको जोड़ोगे, ठीक है, तो 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 13, 14, 14 और 7, 21 और 21 और 6 कितने हो गए, 21 और 6, 27। क्या 27 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 से डिविजिबल है, तो संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। क्या 27 9 से डिविजिबल है, हाँ है, तो संख्या भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ये चेक करने का तरीका है, जो बेसिक मेथड है। अब और बेहतर क्या कर सकते हो आप, आपको कहा कि ये संख्या 9 से चेक करो, क्या कहा आपको, ये संख्या किससे चेक करनी है, 9 से चेक करनी है। तो कैसे करोगे चेक, सिंपल सिंपल 9 के जोड़े बनाओ और उसको छोड़ दो, 9 के जोड़े बनाओ और उसको छोड़ दो। जैसे 5 और 4, 9 आया, इनको जोड़ने पे 9 आया, फ्री हो जाओ, इसका मतलब आपके लिए क्या है, 0। 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए, 5 और 7 कितने हो गए, 12, 12 में से 9 और घटा दो बचे कितने, 3, है ना, 3 और 6 कितने हो गए, 9, यानी लास्ट में क्या आ गया, 9 या फिर 0 आए, तो संख्या किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन लेता हूं, उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि आप सोल्व कीजिए कि ये संख्या
6 3 7 8 2 4 6 7 8 एक्स, ये संख्या 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है तो x की मिनिमम वैल्यू पूछिए आपसे, ठीक है। तो क्या करूंगे, सिंपल सा है, आप ये जोड़ो फिर करो, या फिर आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। चलो मैं पहले बेसिक से बताता हूँ, 6 3 7 8 2 4 6 7 8 x, ठीक है, पहले इनको जोड़ो। तो ओके, अब इनको जोड़ो, पहले जोड़ो कितने, 6 और 3 कितने होते हैं 9, 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 और 8 कितने हो गए 24, 2 26, 4 30, 3 36, 36 और 7 43, 43 और 8 कितने हो गए अपने 51, 51, 43 और 8, हाँ 51 प्लस एक्स। अब ये आपका जो सम नंबर आया है, ये डिविजिबल किससे होना चाहिए, किससे होना चाहिए, 9 से होना चाहिए। तो 51 में क्या जोड़ूं, क्या जोड़ूं कि अपने 9 से आ जाए, 9 का डिविजिबल आ जाए, 9 इन एक्स है मान लो, है ना। क्या देखो, आप 6 नीम कितना होता है 54, है ना, 7 नीम 63, 54 चाहिए आपको। तो इसको क्या बन जाए, 54 बन जाए तो आपका काम बन जाएगा। तो 54 बनने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, डायरेक्ट कैसे, समझो आपको नोनों के पेयर बनाने हैं, बस ये समझ लो, 6 और 3 9 काम खत्म, है ना, इसको भूल गए, इसको भूल गए, 7 और 2 9 इसको और इसको भूल गए, 9 गए खत्म कहानी। अब देखो और कहीं कुछ बन सकता है, 8 को क्या चाहिए, 1 चाहिए कि ये 9 बन जाए, तो 8 को यहां से 1 मिल गया तो 9 बन गया, यहां बच क्या गया 3, 3 और 6 क्या हो गए 9, फिर काम खत्म। 8 को क्या चाहिए, 1 चाहिए, यहां से दे दो 1, बचा कितना 6, ये 9 हो गया खत्म। तो 6 प्लस एक्स ये कितना बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए, तो x की वैल्यू सीधी कितनी आ गई 3, ये आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, चाहो तो इस तरह भी सोल्व कर सकते हो। आई होप ये चीज समझ में आई होंगी आपको, ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना यार, है ना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो, बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ से, आरआरबी एनटीपीसी के लिए, एसएससी के लिए, बैंक के लिए, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हम कराते हैं। और बाकी चैनलों पे, बाकी सॉरी प्लेटफॉर्म्स पे भी जुड़िए, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, है ना, आप जुड़े जरूर, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके एक बार जरूर चेक करें, ठीक है। अब बात करता हूं मैं जो नियम आगे जो हमें पढ़ने हैं, किनको, 3 9 हो गए, अब देखो हम पढ़ेंगे 7 11 और 13, 7 11 और 13 एक साथ पढ़ लेंगे इन तीनों को, ठीक है। 11 के एक अलग नियम भी होता है, परंतु वो भी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। 7 11 13 मैं आपको एक संख्या कहता हूँ, कि एक संख्या देता हूँ, वो आपको चेक करनी है, किससे चेक करनी है, कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैंने एक संख्या दी आपको 139 125, आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि ये दी गई संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं। 7 की बात कर रहा हूँ, प्रोसेस सेम ही रहेगा 7 11 13 में, तीनों में एक ही प्रोसेस है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट से 3 अंक ले लिए, एक जुड़ा बन गया, कितना बन गया 125 का, ठीक है। उसके बाद जो संख्या बची है उसमें से इसको घटा दो, बची हुई संख्या क्या है 139, ठीक है। तो कितना बच गया, 5 यहां से बच गया, 9 यहां से बच गया, यानी कितना 14। क्या ये संख्या जो ये 14 आई है ये डिविजिबल है 7 से, तो संख्या भी डिविजिबल होगी 7 से। क्या ये 11 से डिविजिबल है, नहीं है, तो संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। क्या ये 13 से डिविजिबल है, नहीं है 13 से डिविजिबल, तो संख्या भी 13 से डिविजिबल नहीं होगी। चेक कर लो, ये तो हो ही जाएंगे, डिविजिबल चेक भी कर सकते हो, और नहीं तो ये डिविजिबल ऐसे चेक भी कर सकते हो। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, 7 का प्रोसेस। एक और संख्या लेता हूँ, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। एक संख्या है 1 2 4 7 8 3 7 5, थोड़ी बड़ी संख्या ले ली, इससे क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, ठीक। अब ये नंबर देखना है, क्या ये डिविजिबल है या नहीं, कुछ नहीं करना, लास्ट के 3 अंक लिए, अंतिम 3 अंक लिए, पूरी संख्या लो 124 78, में से क्या घटा दो 375 घटा दो, कितना बचेगा मुझे बताओ, 3 यहाँ पे बच जाएगा, 0 यहाँ पे बच जाएगा, 1 यहाँ पे बच जाएगा, 12 यहाँ बच जाएगा, ठीक है। या तो इसको चेक कर लो, संख्या मान लो 11 7 से डिविजिबल है या नहीं, या एक काम और करो, लास्ट से वापस 3 अंक लो, ठीक है, और बची क्या 12, 12 में से 103 घटाओ,
कितना आएगा? नेगेटिव आएगा, छोड़ दो, नेगेटिव साइन आपके लिए मैटर नहीं करता, आपको उसको बोल दो 103 में से 12 घटा दो। मैं कहता हूँ 103 में से क्या घटा दो, 2 घटा दो, कितना बचेगा 101 बचेगा, 101 को भी घटा दो फिर क्या बचेगा, 10 बचेंगे तो क्या बचेंगे 91 माइनस बचेगा, हमें इसको कंसिडर नहीं करना, हमें तो 91 लिखना। अब देखो 13 के पाढ़े में 91 आता है क्या, 13 से चेक करना है ना, तो 13 के पाढ़े में 91 आता है ना, 13 सत 91 होता है, तो यानी ये संख्या 13 से डिविजिबल है, तो ये भी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, 13 से डिविजिबल हो जाएगी 13 सत 91। तो आई होप आपको प्रोसेस समझ में आया होगा, ठीक है। ये प्रोसेस है, लास्ट की 3 अंक लिया उसमें से बाकी बची में से घटा दी, फिर वापस 3 अंक लिए घटा दिए, या आप इसको डायरेक्ट चेक कर दो 13 से तो भी आपका काम बन जाएगा, है ना, नहीं तो एक प्रोसेस और चले जाओ, क्या टेंशन है, समझ में तो आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, वापिस वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाओ, वापिस समझना तो पड़ेगा, है ना। चलो अब लेते हैं 11 का नियम, जो आप बहुत फेमस हो, 11 को ऐसे भी चेक कर सकते हो अपन, तो 11 का अपना एक नियम है, उसी को मैं बताता हूँ आपको, ताकि आपकी मन को तृप्ति प्राप्त हुए, क्योंकि उसके बिना काम बनता नहीं है आजकल, है ना। देखो उसको भी थोड़ा छोटा करते हैं, उसको भी जो आप समझते आए अभी तक उसको भी थोड़ा छोटा करते हैं, एक संख्या लेते हैं, देखो 2, 1, 3, 2, 8, 1 संख्या देखनी पड़ती है यार, ऐसे काम नहीं चलता, बड़ी बड़ी संख्या आप कौन से बनाए, है ना, थोड़ी गलत ले ली मैंने ना, इसको ऐसे लेता हूँ 2, 1, 3, 2, 8, 1, 7, 3, 0, 2, ये संख्या आपको दी गई है, ठीक है, आपको चेक करना है 11 से, ठीक है। ये मेथड तो आपको पता होगा अल्टरनेटिव वाला, कि इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इसमें जोड़ो, इसको इसमें जोड़ो, बाकी बच्चे यहाँ से स्टार्ट करो, ए घर वाले का, है ना, कितना हुआ 2 और 3, 5, 5 और 8 कितने हो गए 13, 13 और 7, 20, 20 और 0, 20 आ गया, ठीक है, इधर जोड़ो 1 और 2, 3, 3, 1, 4, 4 और 4, 3, 7 और 2 No. फिर इन दोनों का क्या निकालो, अंतर, ये डिविजिबल 11 से हो रहा है तो संख्या भी डिविजिबल किससे, 11 से है, नहीं तो नहीं है, ये अल्टरनेटिव मेथड। एक काम और कर सकते हो जो कि थोड़ा और इजी रहेगा आपके लिए, आप क्या करो, कुछ ऐसा करो कि यही चीज हो जाए और आपको पता भी ना चले, आप क्या कर सकते हो, आप अपने आसपास वालों को ले लो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, काम बनना है आपका। दो अब ध्यान रखना, ये मेथड लिया है ना, इस तरफ से लिया है ना, ये डायरेक्शन लिया तो आगे भी यही डायरेक्शन रखना, 2 में से 0 घटाया बच्चा कितना 2, 3 में से 7 घटाया तो बच्चा कितना -4, ठीक है, 1 में से 8 घटाया तो कितना बच्चा -7, 2 में से 3 घटाया तो कितना बचा -1, 1 में से 2 घटाया तो -1। चलो ये थोड़ा उल्टा हो गया, थोड़ा और अच्छे से लेते हैं, इसको भी कर सकते हैं, मिटाओ मत, ऊपर से ले लो, ऊपर वाली डायरेक्शन, यूं डायरेक्शन लो, तब 2 में से 1 घटाया तो कितना बचा 1, 3 में से 2 घटाया तो कितना बचा 1, 8 में से 1 बचाया तो घटाया तो कितना बचा 7, 7 में से 3 घटाया तो 4, 0 में से 2 घटाया तो -2, कैसे भी ले सकते हो आप, चाहो ये डायरेक्शन रखो चाहे वो रखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इन सबको क्या दो, जोड़ डालो, इन सबको क्या दो, जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, 1 और 2, 3, 1 और 1 क्या हो गए 2, 2 और 7, 9, 9 और 4 कितने हो गए, 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 में से 2 घटा दिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना आया 11, तो संख्या 11 से डिविजिबल है। चाहे ये काम यहाँ कर लो, प्लस 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 माइनस आ जाएगा, ये चीज 1 और 2, -2, -9, -13 और क्या हो जाएगा -11, -11 भी क्या होता है डिविजिबल, माइनस को आप कंसिडर लास्ट में नहीं करना है। तो आप चाहो तो दो दो के पेयर बना के भी बना सकते हो, और चाहो तो पूरा एक साथ भी कर सकते हो। तो ये था मेथड 11 का, थोड़ा तेज बता रहा हूँ, नहीं आया तो वीडियो को वापस पहुंच कीजिए, क्वेश्चंस कराऊंगा तब और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं दो और जो आपके बड़े फेमस हैं, 0 और 5, उनको भी देख लो यार कोई उन्होंने क्या बेर है। देखो 0 और 5 की क्या कहानी है, 0 के लिए लास्ट अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और 5 के लिए लास्ट अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, 525, सॉरी ये संख्या 5 से डिविजिबल है, हाँ है, क्योंकि लास्ट में 5 है,
72 ये 10 से डिविजिबल है क्योंकि हाँ लास्ट में 0 और 5 से भी डिविजिबल हो जाएगी, तो 5 और 10 का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है। तो ओके गाइस, आज हमने पढ़ा भाजकता के नियम के बारे में पढ़ा, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े, बाकी सबके लिए सारी संख्याओं के लिए हमने देखे, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट थे। अब इसके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं डीपीपी सेकंड में, फिर मैं डिस्कशन करूंगा सारे डीपीपी का, पर अभी आप लगाइए डीपीपी सेकंड और फर्स्ट भी कीजिए, आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिले जाएंगे, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, है ना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको लिंक अवेलेबल करा दी जाएंगी, पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, है ना, और इसके अलावा नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो ताकि डेली क्लासेस का फायदा उठा सको, और कोई चीज है तो कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसी हिसाब से हमारा और बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले कि कुछ ऐसा चल रहा है। तो इसी चीज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में जल्द हाजिर होऊंगा, लेकिन तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।